please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में एक प्रदर्शन के दौरान नकाब और बुरका पहने सैकड़ों महिलाएं एक रैली में पोस्टर लेकर चलने लगी। ये प्रदर्शन सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने पर लगाई गई रोक के खिलाफ किया गया, जिसमें शामिल सैकड़ों महिलाएं चेहरा ढककर और बुरका पहनकर पहुंची। इस प्रदर्शन में अपने हाथों में पोस्टर लेकर महिलाओं ने नया कानून लागू करने पर सरकार का विरोध किया और इसके जरिए अप्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। नए कानून के विरोध के बाद डेनमार्क सरकार ने साफ किया कि सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने पर रोक लगाई गई है, जिसके लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है, लेकिन इस कानून में मुस्लिम महिलाओं का जिक्र नहीं किया गया। पाकिस्तान में बदले राजनीतिक हालात के बीच कश्मीर में आतंकी घटनाएं कम हुई हैं और पहले के मुकाबले आतंकी संगठन भी कम हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को मिलने वाली मदद में बड़ी गिरावट आई है। अब कश्मीर घाटी में सिर्फ 250 आतंकी बचे हैं, जिनकी गिनती 20 साल पहले 1000 तक हुआ करती थी। इन 250 आतंकियों में करीब 50 ऐसे हैं जो पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में आए। साथ ही घाटी में सुरक्षा बल की तैनाती से आतंकियों की ट्रेनिंग पर भी रोक लग गई। इस वक्त जम्मू कश्मीर में 2.5 लाख से ज्यादा सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। लोकसभा में विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकती है। एनआरसी पर जारी घमासान के बीच असम के सिलचर में टीएमसी सांसदों को हिरासत में लिए जाने के विरोध में ममता बनर्जी की पार्टी आज लोकसभा में विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकती है। जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार देने वाले अनुच्छेद 35(a) को हटाने पर 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के समय कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 8 सदस्य पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 35(a) पर सुनवाई के दिन यानी 6 अगस्त को श्रीनगर की बाथिंग बोट और मोटर बोट एसोसिएशन ने अपना कामकाज बंद रखने का फैसला किया है। पंजाब के बठिंडा में आम आदमी पार्टी के विधायक सुखपाल खेरा ने पार्टी आलाकमान की चेतावनी के बावजूद एक जनसभा की, जिसमें पार्टी के साथ विधायक भी शामिल हुए। अहमदाबाद में सड़क पर फेरी न लगाने देने के विरोध में दुकानदारों ने हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें विधायक जिग्नेश मेवाणी भी शामिल हुए। भोपाल में लोकतांत्रिक जनता दल के सम्मेलन में पहुंचे पार्टी प्रमुख शरद यादव ने गाय के नाम पर हो रही हिंसा को लेकर सरकार पर हमला बोला। पाकिस्तान में हिंदी फिल्म मुल्क को बैन किए जाने पर फिल्म के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने पाकिस्तानी जनता के नाम एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान सेंसर बोर्ड के फैसले पर निराशा जताई और वहां के लोगों से गैर कानूनी तरीके से फिल्म को देखने की गुजारिश की। पाकिस्तान की जेल में मारे गए सरबजीत की बहन दलबीर कौर ने इमरान खान के शपथ ग्रहण में जाने की तैयारी कर रहे पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर एक संदेश जारी कर उनसे पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीयों को छुड़वाने की अपील की। कजाकिस्तान के अस्ताना में भारतीय समुदाय के बीच पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि ये सरकार प्रवासी भारतीयों के सबसे ज्यादा करीब है। असम की राजधानी गुवाहाटी में दुकान चलाने वाले तिलकेश्वर झा ने अपने दस्तावेज न्यूज 18 को दिखाए। तिलकेश्वर झा उन 40 लाख लोगों में शामिल हैं जिनका नाम NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से गायब है, जिसकी वजह से ये तमाम लोग डरे हुए हैं। हालांकि इन लोगों का दावा है कि उन्होंने अपना नाम NRC में दर्ज कराने के लिए तमाम जरूरी दस्तावेज दिए थे, लेकिन आरोप है कि इसके बाद भी NRC में उनका नाम शामिल नहीं किया गया। अपने अनुसार तो सब दे दिए हैं, अब वो लोग बताएंगे जब कहा किस तरह का, मान लीजिए यहाँ आपका क्यों नहीं आया है। आपका नाम लिस्ट में नहीं आया? लिस्ट में नहीं आया, हम लोग पूरा फैमिली का चार आदमी का नहीं आया है। न्यूज 18 की पड़ताल में कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनका नाम दिसंबर की NRC में तो था, लेकिन दूसरे मसौदे में परिवार के कुछ सदस्यों का नाम कट गया, जिसके सबूत भी इन लोगों ने न्यूज 18 को दिखाए। सातों परिवार के जो सदस्य हैं, उनका नाम जो फर्स्ट NRC लिस्ट आई थी उसमें इन सातों मेंबर्स का नाम आ गया था, और अब इनकी समस्या ये है कि जो सेकंड लिस्ट आई है उसमें कुछ गड़बड़ हो गया। हालांकि ऐसे लोगों को फिर से अपना नाम NRC में दर्ज कराने का मौका दिया जाएगा, जिसके लिए इन लोगों को नए सिरे से फॉर्म भरना होगा। गुवाहाटी में ही कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जिनकी कई पीढ़ियां वहां रह चुकी हैं, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों के नाम NRC लिस्ट से नदारद है। आपके परिवार में भी कोई ऐसा है कि जिसका NRC की लिस्ट में नाम नहीं है? हाँ, हमारे परिवार के कई जो, मतलब मेरे आंटी है, मेरी वाइफ है, उनका किसी का नाम नहीं है। इतना ही नहीं, न्यूज 18 को गुवाहाटी में एक स्वतंत्रता सेनानी का परिवार भी मिला जिनके परिवार के एक सदस्य का नाम NRC से काट दिया गया। आपके दादा फ्रीडम फाइटर थे और उनकी पुत्रवधू का नाम नहीं, आप ये कह रहे हैं? NRC में नाम दर्ज कराने के लिए लोग अब दस्तावेज जुटाने में लगे हैं, जिसकी वजह से इन लोगों का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। चीन के हांगचू शहर में एक ट्रैफिक सिग्नल पर स्कूटर सवार एक महिला पहले एक कार से टकराई और फिर वहां खुले हुए एक मैनहोल में गिरी। ये महिला सिग्नल रेड होने के बावजूद सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से वो सामने से आ रही एक कार से टकरा गई।
इस दौरान ट्रैफिक सिग्नल से कई गाड़ियां गुजर रही थीं, जबकि कुछ मजदूर भी वहां काम कर रहे थे। तभी स्कूटर सवार महिला तेजी से सड़क पार करने लगी। इस दौरान वो एक सफेद कार से टकराई और सीधा खुले हुए एक मैनहोल में जा गिरी। मैनहोल में महिला के गिरते ही वहां काम कर रहे मजदूर उसकी तरफ दौड़े और उसे निकालने की कोशिश करने लगे। कुछ देर में ही महिला को मैनहोल से बाहर खींच लिया गया। इस हादसे में महिला को हल्की चोट ही आई। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की उड़ान में कई घंटों की देरी होने से खफा यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लगभग 150 यात्री कल रात 8 बजे से फंसे हुए हैं। इन यात्रियों का कहना है कि एयर इंडिया की फ्लाइट में जब वे लोग बैठ गए, तब अचानक पायलट को पता चला कि विमान में कुछ तकनीकी दिक्कत है, जिसकी वजह से उड़ान नहीं भरी जा सकती। जिसके बाद विमान में बैठ चुके यात्रियों को वापस वेटिंग रूम में भेजा गया, जिससे खफा यात्रियों ने एयरपोर्ट पर जमकर बवाल काटा। महाराष्ट्र के पुणे में कुछ लोग खाद्य और आपूर्ति मंत्री गिरीश बापट के दफ्तर के बाहर घंटा बजाकर प्रदर्शन करने लगे। मराठा क्रांति मोर्चा के ये कार्यकर्ता आरक्षण की मांग पर सरकार के खिलाफ विरोध जताने के लिए जुटे। हालांकि इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने एक बैठक भी की, लेकिन लोगों का विरोध नहीं थमा और इसी कड़ी में मराठा क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर घंटा लेकर प्रदर्शन करने लगे। मराठा क्रांति मोर्चा का दावा है कि महाराष्ट्र सरकार आरक्षण के मुद्दे पर गंभीर नहीं है। हालांकि राज्य में जारी घमासान के बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में एक बैठक की, जिसमें मराठा समाज के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े सम्मानित लोग भी शामिल हुए। कि मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार अनुकूल है और उसकी जो कानूनन कार्रवाई करनी पड़ रही है वो हम कर रहे हैं। करीब दो हफ्ते से महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन चल रहा है, जिसकी वजह से राज्य के कई शहरों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। यही नहीं, कुछ आंदोलनकारियों ने अपनी जान तक दे दी। लेकिन बीजेपी विधायक राम कदम ने आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के पीछे विपक्ष का हाथ बता दिया। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से विपक्ष के दल जो है, ये सारे दल ये हिंसा फैलाने में लगे हुए। जबकि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सरकार से नाराज बताए जा रहे अभिनेता सयाजी शिंदे ने बैठक के बाद आंदोलनकारियों से हिंसा न करने की अपील की। वो सुसाइड की तरफ जाते हैं, वो नहीं जाना चाहिए, बसेस नहीं जलाना चाहिए, इतना मैं कहूँगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सीएम फडणवीस की कोशिश मराठा समाज के सम्मानित लोगों से बातचीत कर इस आंदोलन की आग पर पानी डालने की है। मौसम विभाग का दावा है कि अभी तक मानसून में देश के केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां सामान्य से कम बारिश हुई है। किसी राज्य में सामान्य से 19% कम से लेकर 19% ज्यादा तक की बारिश को सामान्य माना जाता है। इस आधार पर अब तक पूरे देश में केवल पूर्व और उत्तर पूर्व के राज्यों में ही बारिश कम हुई है। बिहार में मानसून इस बार सामान्य से 22% कम बरसा, तो झारखंड में सामान्य से 24% कम बारिश हुई। असम में इस बार बारिश सामान्य से 25% कम हुई। अरुणाचल प्रदेश में मानसून के दौरान सामान्य से 36% कम बारिश हुई, तो मेघालय में सामान्य से 45% कम बरसात हुई। इनके अलावा उत्तर पूर्व के मणिपुर में पूरे देश में सबसे कम बारिश हुई। मणिपुर में मानसून के दौरान सामान्य से 64% कम बारिश हुई। हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान एक विमान में आग लग गई। हैदराबाद एयरपोर्ट पर कुवैत की जजीरा एयरलाइंस के एक विमान में लैंडिंग के दौरान आग लगने के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हरियाणा के गोहाना में एक दुकान में घुसे चोरों ने नकदी और वहां रखा सामान चुरा लिया। राजस्थान के भरतपुर में एक लड़की के अपहरण के इल्जाम में आरोपियों समेत पूरे गांव को बिरादरी से बाहर करने का फरमान सुनाने के इल्जाम में पुलिस ने पंच समेत 300 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज कर दिया। दिल्ली के सराय काले खां इलाके में हुई एक मुठभेड़ में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के गाजियाबाद में एक वकील ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए अपने साथी वकीलों के साथ कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने असम में नागरिकता के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। राजस्थान के पाली में एक दुकानदार पर हमला करने के आरोप में कुछ लोगों पर एक लड़के को पेड़ से बांधकर पीटने का इल्जाम लगा। गुजरात के अमरेली में एक बस और ट्रक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पंजाब के जालंधर में छेड़छाड़ के आरोपियों पर विरोध करने पर लड़की के साथ आए एक लड़के के कपड़े उतारकर पीटने का आरोप लगा। महाराष्ट्र के सांगली में गर्भवती महिला के गैंगरेप का आरोप लगा है। आरोप है कि 4 लोगों ने 7 महीने की गर्भवती महिला का उसके पति के सामने ही गैंगरेप किया। पीड़ित दंपति ने पुलिस को बताया कि उन्हें अपने होटल के लिए कुछ मजदूर की जरूरत थी और ये बात उन लोगों ने कुछ लोगों को बताई थी, जिसके बाद किसी ने उन्हें फोन कर शहर से बाहर बुलाया और जब वो लोग वहां पहुंचे तो पहले से मौजूद 8 लोगों ने उन्हें घेर लिया।
और पहले तो उनसे 20,000 रुपए छीन लिए और पति के सामने ही 4 लोगों ने महिला का रेप किया। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिनमें से 4 को गिरफ्तार किया गया है। वहीं राज्य महिला आयोग ने भी चिट्ठी लिखकर पुलिस से 2 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। दाखिल किया है और ये आरोपी के खिलाफ इंक्वायरी चालू है और इसके बाद में जो उनके पास एविडेंस मिलेगा उस हिसाब से उनको अरेस्ट करेंगे। NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने एक ब्लॉग लिखा, लेकिन उनके इस ब्लॉग को लेकर नेताओं में जबानी जंग छिड़ गई, क्योंकि अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग का शीर्षक संप्रभुता बनाम वोट बैंक रखा। जेटली ने अपने ब्लॉग में कांग्रेस और TMC अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए लिखा कि ये भारत की संप्रभुता के साथ समझौता करने जैसी बात है। राहुल गांधी और ममता बनर्जी जैसे नेताओं को ये महसूस करना चाहिए कि भारत की संप्रभुता खेल नहीं है, संप्रभुता और नागरिकता भारत की आत्मा है, आयातित वोट बैंक नहीं। इतना ही नहीं, जेटली ने ममता बनर्जी को घेरने के लिए 2005 में लोकसभा में NRC के मुद्दे पर दिए गए उनके बयान का जिक्र भी अपने ब्लॉग में किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए NRC मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के रुख का जिक्र भी ब्लॉग में किया। जेटली का यही वार कांग्रेस को नागवार गुजरा और उसने BJP पर जोरदार पलटवार किया। The problem with arrogance is that everybody in the BJP thinks that they are all Mr. Know-it-alls and everybody not in the BJP is all foolish and eats grass. That's the tragedy of this country. जवाब में BJP ने भी अरुण जेटली के ब्लॉग का समर्थन करते हुए कांग्रेस पर उसी के लहजे में वार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए राजनीति करती है, देश की जनता के लिए राजनीति करती है, कई पार्टियां सिर्फ वोट के लिए राजनीति करती हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण। हालांकि NRC का काम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है, लेकिन कांग्रेस और TMC के अलावा कई और सियासी दल भी केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाला विधेयक लोकसभा से पास हो गया। सरकार के साथ विपक्ष ने भी इसके माध्यम से पिछड़े तबके के सशक्तिकरण की उम्मीद जताई। इसलिए लोकसभा में भी सरकार की ओर से लाए गए संविधान संशोधन विधेयक को विपक्ष का पूरा समर्थन मिला। लोकसभा में लंबी बहस के बाद सरकार ने विपक्ष की तरफ से दिए गए कुछ सुझावों को भी मंजूर करने का भरोसा दिया। संविधान 123वां संशोधन जो राज्यसभा द्वारा संशोधित है को पारित किया जाए। इसके बाद सदन ने विधेयक पर अपनी मोहर लगा दी। लोकसभा में मौजूद PM ने भी विधेयक पास होने पर मेज थपथपाकर खुशी जताई। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की तर्ज पर संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास शिकायत सुनने और कार्रवाई करने का अधिकार होगा। इसके साथ ही आयोग पिछड़े तबके के विकास के लिए सक्षम तरीके से काम कर पाएगा। हालांकि इस विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी मिलने के बाद ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा हासिल होगा। पिछले साल इस विधेयक को राज्यसभा ने संशोधन के साथ लौटा दिया था, इसलिए सरकार को इसे दोबारा लोकसभा में पेश करना पड़ा। सक्षम करके लोगों का एक साथ एक मत बनाने की कोशिश करके पारित किया गया। वहीं विधेयक का समर्थन करने के बाद कांग्रेस सरकार को नसीहत देना भी नहीं भूली। कानून कितना भी हो, अच्छा हो, अगर उसको ठीक ढंग से नहीं चलाएंगे तो कानून का कोई फायदा नहीं होगा। उधर BJP ने लोकसभा में विधेयक को समर्थन देने के लिए विपक्ष की तारीफ की और उम्मीद जताई कि राज्यसभा में भी विधेयक पास हो जाएगा। अमेरिका के फ्लोरिडा में छुट्टियां मना रहे रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण वहां की सड़कों पर सैर करते नजर आए। बताया जा रहा है कि दोनों वहां अपनी शादी की शॉपिंग करने पहुंचे हैं और इसी दौरान मौका निकालकर दोनों फ्लोरिडा की सड़कों पर सैर करने निकल पड़े। दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर बहुत देर तक यूं ही घूमते। इसी दौरान एक प्रशंसक ने दीपिका के साथ तस्वीर खिंचवाने की इच्छा जताई। चर्चा है कि अमेरिका में घूमने के साथ दोनों अपनी शादी की तैयारी भी कर रहे हैं। खबर है कि इसी साल नवंबर महीने में दोनों इटली की टूरिस्ट प्लेस लेक कोमो में शादी करने वाले हैं। शादी कर ले डायरेक्ट, शादी तेरे से, चल कर लेते हैं। मैं तो कब से सोच रही हूँ दूधो ना भूतों पर। वैसे रणवीर और दीपिका अपनी नजदीकियों को खुलेआम जाहिर करने से कभी नहीं हिचकते। टच मी दीपिका और रणवीर की शादी को लेकर उनके फैंस काफी उत्साहित हैं। हालांकि दोनों ने अभी तक अपनी शादी के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। देश की सेना के तीनों अंग अफसरों की कमी से जूझ रहे हैं। लोकसभा में सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक देश की सेना के पास अफसरों की तय गिनती से फिलहाल 9,000 से ज्यादा अफसरों की कमी है। इनमें सबसे ज्यादा कमी थल सेना में है। थल सेना में करीब 50,000 अफसर होने चाहिए, लेकिन फिलहाल तैनाती इससे करीब 7,300 कम अफसरों की है। तो देश की नौसेना में 11,300 से ज्यादा अफसर होने चाहिए, लेकिन नौसेना में 1,500 से ज्यादा अफसरों की कमी है। हालांकि वायुसेना में अफसरों की कमी का आंकड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है। वायुसेना में 12,500 से ज्यादा अफसर होने चाहिए, लेकिन करीब 200 अफसरों की कमी है।